ॐ जय जय नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाङ्गं निजस्वरूपको परमरस जामे भरो बन्धो परमानन्दमय समयसार अविकार कुन्द कुन्द मुनिचन्द्रवर अमृतचन्द्र मुनि इन्द आत्मरसी बनारसी बन्धो पद अरविन्द कुंद कुंद आचार्य देव का समय सार ग्रंथादि राज। गुरुदेव तो कहते हैं समय सार शास्त्र तो आगमों का आगम है। समय सार ग्रंथ कैसा है? आगमों का आगम है, लाखों शास्त्रों का निचोड़ है, अद्वितीय चक्षु है, जैन शासन का स्तंभ है, साधक के लिए काम धेनु है, कल्प वृक्ष है। समयसार क्या है? कल्प वृक्ष है। और 14 पूर्व का जिसमें रहस्य भरा है, ऐसे समयसार ग्रंथादि राज के ऊपर पंडित बनारसी दास जी ने क्या लिखे? ये कलश लिखे। किन्होंने लिखा है समयसार? छठे सातवें में झुलने वाले, प्रमत्त प्रमत्त दशा में झुलने वाले, ऐसे भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित ये समयसार ग्रंथादि राज। अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका लिखी, जयसेन आचार्य देव ने टीका लिखी, आत्मख्याति है ना। और ये क्या लिखा? नाटक समयसार बनारसी दास जी ने क्या लिखा? अनाटक समयसार लिखा। देखो यहाँ पे हम आए थे कौन से नंबर के छंद के ऊपर? 15 नंबर के छंद के ऊपर। बहुत सुंदर छंद है नाटक समयसार की। अब महिमा करने वाला छंद आया, ग्रंथ की महिमा। ग्रंथ की महिमा करेंगे तो हमको ग्रंथ पढ़ने का क्या आएगा? भाव आएगा। बहुत भाव भरे एक एक लिपि में। कहते ना ज्ञानी के एक एक वाक्य में अनंत आगम भरा है। मोख चली वे को सोन करम को करे बोन जाके रस भोन बुद लोन जो दूलत है गुण को गरंत नीर गुण को सुगम पंथ जाको जसु कहत सुरेश अकुलत है याही के जो पक्षी ते उड़त ज्ञान गगन में याही के विपक्षी जग जाल में रुलत है हाट को सो विमल विराट को सो विस्तार है नाटक सुनत ही ये फाटक खुलत है। क्या लिखा? नाटक को सुनत है और फाटक खुलत है। सबसे पहली लाइन में लिखा ना मोख चली वे को सोन करम को करे बोन। मोख चली वे को माने ये नाटक समयसार मोक्ष जाने के लिए सीढ़ी समान है, सीढ़ी के रूप में है। जैसे कहीं पहुंचना होता है ऊपर तो सीढ़ी क्या है? वो साधन है। उस साधन से हम उस जगह पर पहुंच सकते हैं। ऐसे नाटक समयसार ये क्या है? सीढ़ियां है। इन कलशों के माध्यम से, इन छंदों के माध्यम से हम अपने प्रयोजन की सिद्धि कर सकते हैं, है ना। इसके लिए कहते हैं ना गुरुदेव, गुरुदेव क्या कहते हैं? मंदिर में आओ पर आत्म जिज्ञासी हो के आओ। क्या हो के आओ? आत्म जिज्ञासा। माने आत्मा प्राप्त करने की जिज्ञासा लेकर हमको कहाँ आना चाहिए? मंदिर में आना चाहिए। उन्हीं जीव को क्या होगा? आत्म प्राप्त होगा। क्योंकि ऐसे दर्शन तो हमने अनंत बार किए,
पर जितेंद्र भगवान के दर्शन करके किसके दर्शन नहीं किए, आत्म दर्शन नहीं किए। ख्याल आ रहा है ना, कहते ना वो भक्ति में है ना, जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज, तन चेतन को भिन्न पिछान, जीवन सफल हुआ है आज। मोक्ष मार्ग की ये सीढ़ी है, और कर्म को करे बौन माने, बौन माने वमन, वमन हमारे गुजराती में कहते हैं उल्टी, उल्टी कर देना है ना। अपने आत्मा को जा, अपनी आत्मा की पहचान हुई तो क्या हो गई, कर्मों की क्या हो गई, उल्टी हो गई। कौन से कर्मों की, भाव कर्मों की, और भाव कर्म की उल्टी हो गई तो द्रव्य कर्म भी नहीं रहे, और द्रव्य कर्म नहीं बंधे तो नौ कर्म भी नहीं बंधते हैं। ख्याल आ रहा ना, इसलिए गुरुदेव कहते हैं ना, जिसको संसार की रुचि है, जिसको पुण्य की रुचि है उसको संसार की रुचि है, और जिसको आत्मा की रुचि है उसको धर्म की रुचि है। क्या कहा थी, हाँ, जिसको पुण्य की रुचि उसको किसकी रुचि, संसार की, और जिसको आत्मा की रुचि उसको धर्म की रुचि है। संसार में पुण्य की प्रधानता है, और मोक्ष मार्ग में आत्मा के अनुभव की प्रधानता है। ख्याल आ रहा ना, मार्ग पुण्य का नहीं, मार्ग शुभ भाव का नहीं, मार्ग श्रेयोपशम का नहीं, पर मार्ग किसका है, आत्मा की रुचि का मार्ग है। इसलिए कहते ना, जिसको जिसकी रुचि होती है हाँ, वो उसको कभी भूलता नहीं। जिसको आत्मा की रुचि होती है, ज्ञानी को आत्मा सदैव मुख्य, और अज्ञानी को ये सहयोग सदैव मुख्य। एक को जड़ की रुचि और एक को आत्मा की रुचि। जड़ की रुचि वो अनंत संसारी, और आत्मा की रुचि वो मोक्ष मार्गी। क्या कहते हैं देखो, जाके रस बौन बुद्ध लौन जो धूलत है। नमक होता है ना, नमक की डाली, वो पानी में क्या डालते हैं तो घुल जाती है ना, मिल जाती है। ऐसे ही ज्ञानियों को, आत्मार्थियों को, मोक्षार्थियों को ये नाटक समय सार का ऐसा रस आ जाता है हाँ, कि रस में क्या हो जाते हैं, घूम जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। ऐसा रस आता है, कहते ना, तुरुजता जगत नीरुचियाल से सौ, तुरीजता सकल जायक देवरीजे। श्रीमद जी ने कहा ना, वीतराग बचनामृत वीतरागना, परम शांत रसमु। क्या कहा, वीतराग बचनामृत वीतरागना, परम शांत रसमूल। ख्याल आ रहा है ना, बचनामृत कैसे है, वीतराग, वीतरागता को प्रदान, वीतरागता को देने वाले है ना, और शांति को देने वाले हैं। और कायरों को कैसा होता है ये बचनामृत, प्रतिकूल लगते हैं ये जिनवाणी के वचन, जो कायर होते हैं उनको कैसे लगते हैं, औषधीय भव रोगना, कायर ने प्रतिकूल, औषधि आ भव रोगना, ये तो औषधि है किसकी, भव रोग की, और कायर को कैसी लगती है, प्रतिकूल लगती है। ख्याल आ रहा, गुरुदेव कहते ना, कायरों का मार्ग नहीं है, शूरवीरता का मार्ग है। किसका मार्ग है, शूरवीरता का। ख्याल आ रहा ना, गुरुदेव कहते ना, पोपा भाई नो राज नथी, पोपा भाई नो राज नथी है ना, ये तो जिनेंद्र भगवान का राज है ना, यह तो आत्मा का राज्य है। ख्याल आ रहा ना, तीन बोलते ना, परमारथ नो पंथ एक ही होता है, अनेक नहीं होते हैं। यहाँ पे कहा तो क्या कहा, जाके रस बौन बुद लौन जो गुलत है, गुण को ग्रंथ नीर गुण को सुगम पंथ है। ये ग्रंथ में किसके किसकी महिमा है, कौन से गुणों की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी गुणों का वर्णन है।
कहा ना गुणों को ग्रंथ, गुणों को ग्रंथ माने गुणों की जिसमें महिमा है। कौन से गुणों की? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य, प्रभुता, ऐसे गुणों की जहां महिमा गाई गई है। और किसको सुगम कर दिया? मोक्ष मार्ग को सुगम कर दिया। नाटक समय सार में आत्मा की बात कही, आत्मा के गुणों की बात कही, और किसकी बात कही? मोक्ष मार्ग की बात कही। मोक्ष मार्ग को हमको कैसा कर दिया पंडित जी ने? सुगम कर दिया, सरल कर दिया। समझ में आ रहा है ना? फिर क्या कहा? जाको जसु कहत सुरेश अकुलत है। कौन अकुलत है? अकुलत माने क्या? अकुलत माने लज्जा, लज्जित होना। माने इंद्र भी क्या हो जाते हैं? लज्जित हो जाते हैं। क्या कहते हैं? इंद्र भी इसकी महिमा महिमा वर्णन करते करते इंद्र भी लज्जित हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? इंद्र भी शर्मा जाते हैं। माने इतने मेरे में क्या पड़े हैं? गुण पड़े हैं। ख्याल आ रहा है ना? गुणों की महिमा करते करते पंडित जी भी थकते नहीं, क्योंकि मेरे में इतने गुण हैं। आत्म तू गुण नो भंडार के तारु चिंतन करता करता उधरावना। मैं किसका किसका भंडार हूँ? गुणों का भंडार। जैसे वो शक्कर मिठास मई है, मिठास से लबा लब भरी है, ऐसे में अनंत गुणों से लबा लब भरा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए यहाँ कहते, इसलिए गुरुदेव कहते ना, दो चीज है ना, तत्व निर्णय मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसा निर्णय करना वो पात्रता है। और सम्यक दर्शन हुआ वो पात्रता का फल है। क्या कहा? दो चीज। तत्व निर्णय करना वो क्या है आंटी? पात्रता है ना। मैं ये शरीर वाला नहीं, और मैं शरीर से भिन्न, राग से भिन्न, संयोग से भिन्न, जानने देखने वाला पदार्थ हूं, ऐसा निर्णय होना वो क्या है? पात्रता। और पात्रता के फल में उसको क्या हो जाता है? सम्यक दर्शन होता है। अनादि से जीव की पात्रता ही नहीं है, का सुख खोजता है पर में, है ना। उदाहरण दिया ना मृग, मृग तृष्णा का। मृग तृष्णा, मृग माने हिरण है ना। वो रेत चमकती है तो उस सूर्य की किरण गिरती है, तो उस मृग को क्या भ्रम हो जाता है? के वह जल है ना, ब्रह्म है कि वह जल है, इसीलिए वो क्या करता है? दौड़ता है। और दौड़ते दौड़ते वह जाता है तो क्या दिखता है उसको? कि वह जल नहीं, वह तो रेत है ना। ऐसे ही अज्ञानी को ब्रह्म है, मृग तृष्णा है, क्या है? पंच इंद्रिय के विषयों में क्या मानता है? सुख मानता है। ख्याल आ रहा ना? इंद्रियों से ज्ञान होता है, ज्ञेयों से ज्ञान होता है, और विषयों में क्या मानता है? सुख मानता है। कहते ना, इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। मैं सो हाँ मैं अब तक जान नहीं पाया, मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्या मल धोने आया हूँ। इंद्रियों के भोग मधुर विष सम, लगते हैं कैसे? मधुर, पर है कैसे? विष के समान। मारने का, मारने के काम कर रही है वो, भाव मरण हर समय। और लावण्यमयी कंचन काया, ये शरीर को कैसा मानता है? है जड़, है पुद्गल, है मुर्दा, और कैसा मानता है? सुंदर मानता है। ख्याल आ रहा है ना? और दूसरी लाइन में क्या कहा है ना, अब क्या? मैं निर्मल नीर जल लेकर अनुपम रस सुख को पाने आया हूं।
हे हे भगवान, आपकी शरण में आया तो मिथ्यात्व का नाश करने के लिए और सम्यक दर्शन का जल प्राप्त करके मैं क्या करने आया हूँ, अनुपम सुख को चखने आया। आपने जो विधि बताई वो विधि को हम जीवन में उतार कर हम भी क्या करेंगे, अतींद्रिय आनंद का स्वाद का रसास्वादन कर लेंगे। देखो क्या कहते हैं आगे, कहते हैं ना क्या, जाको जसु कहत सुरशक सुरेशक अकुलत है, याही के जु पछीते उड़त ज्ञान गगन में। अब ज्ञानी की बात कह दी, ज्ञानी कैसे होते हैं, ज्ञान गगन में उड़ते हैं, है ना, जैसे पक्षी होते हैं ना, पक्षी, पक्षी माने पक्षी, जैसे पक्षी अपनी पाख को प्राप्त करके उड़ता है ना, ऐसे ज्ञानी भी भेद ज्ञान करके हाँ क्या होते हैं, ज्ञान गगन में उड़ते हैं, ख्याल आ रहा है ना। और अज्ञानी तो कषायों से कैसा रहता है, ग्रसीभूत रहता है, टेंशन में रहता है, अभिमान करता है, क्रोध करता है, कषायों की अग्नि में निरंतर जलता रहता है। ज्ञानी को ज्ञान होता है और अज्ञानी को कषाय होती है, दो चीज। क्या कहा, क्या कहा आंटी, ज्ञानी को ज्ञान होता है और अज्ञानी को कषाय होती है। जहाँ ज्ञान होता है वह कषाय नहीं, जहाँ कषाय होता है वह ज्ञान नहीं। समझ में आ रहा है ना, इसलिए कहते हैं ना कि तीव्र कषाय में काम नहीं होगा तो मंद कषाय में काम होगा कि नहीं, मंद कषाय में आत्मानुभव होगा कि नहीं। यहाँ कहते हैं तीव्र कषाय में भी नहीं होगा और मंद कषाय में भी नहीं होगा, है ना, तो फिर मन कषाय किसको होती है, तो ज्ञानी 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 जो बनते हैं उनको नियम से मन कषाय होती है ना। हाँ क्या कहा दी, बहुत बढ़िया, पहले मन कषाय होती है और फिर उसका भी लक्ष्य छोड़ के क्या होता है, कषाय का अभाव होता है, ख्याल आ रहा है ना। और ज्ञानी बनने के बाद ऐसी कषाय की ममता उनके जीवन में दिखाई देती है। कहते ना क्षमा स्वभावी, 10 धर्म है ना, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, ख्याल आ रहा है ना, तो ऐसे 10 धर्म किन के जीवन में पाए जाते हैं, ज्ञानियों के जीवन में पाए जाते हैं। क्या कहते हैं देखो, याही के जु पछीते उड़त ज्ञान गगन में, ज्ञान गगन में उड़ते हैं, ख्याल आ रहा है ना, याही के भी पछी जग जाल में रूलत है, जिनको ऐसे ज्ञान रूपी ज्ञान रूपी स्वभाव का पक्ष नहीं आया है, पक्ष नहीं आया है, जिनको ये ग्रंथ ना पक्ष रूपी पाप नहीं, अपने आत्मा का पक्ष नहीं है, है ना, जिनको आत्मज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, वे तो संसार में जग जाल में रुलते हैं, रुलते हैं ना, कहाँ रुलते हैं, चार गति में। क्यों रुलते हैं, क्योंकि उनको आत्मा का पक्ष नहीं आया। समयसार में कहा ना, चार चीज बताई व्यवहार नहीं के लिए, अनादि काल से इस जीव को व्यवहार नहीं का पक्ष है, किसका पक्ष है, व्यवहार नहीं का पक्ष है। व्यवहार नहीं की चर्चा भी बहुत करता है ना। दूसरा, जिनागम में भी 90% व्यवहार के ही क्या आते हैं, कथन आते हैं, है ना। और चौथा कहा कि व्यवहार नहीं का फल क्या है, संसार। चार चीज कही, क्या कही आंटी, पहले क्या कहा, अनादि से इस जीव को किसका पक्ष है, व्यवहार का पक्ष है, है ना। दूसरा क्या कहा, जिनवाणी में व्यवहार की, व्यवहार के कथन बहुत है। तीसरा, आपस में चर्चा भी किसकी करता है, व्यवहार की, ये करने लायक है, ये छोड़ने लायक है, ये खाने लायक है, ये छोड़ने लायक है, शुभ करने लायक है, ख्याल आ रहा है ना, क्योंकि उसको उसको व्यवहार का रस है। और चौथा क्या कह दिया, निष्कर्ष, व्यवहार का फल क्या है, संसार है। अब चार चीज निश्चय में लगाओ, इस जीव को निश्चय का कभी पक्ष आया ही नहीं, जिनागम में निश्चय की बात भी
कम है, निश्चय के कथन भी कम है, आपस में निश्चय की बात भी कम करते हैं, समझ में आ रहा है ना, हाँ, चर्चा भी कम होती है। और चौथा, निश्चय नहीं का फल क्या है, मोक्ष है, समझ में आ रहा है ना। इसलिए कहते हैं ना, एक बार इसका पक्ष तो आए, किसका, आत्मा का पक्ष। पक्ष माने क्या, पक्ष माने आत्मा का अनुभव, पक्ष माने क्या, अनुभव। एक बार आत्मा का अनुभव तो हो, फिर उसके जीवन में सहज व्यवहार आ जाता है, ख्याल आ रहा है ना। देखो क्या कहा, याई के विपक्षी जग जाल मेरु लत है, है ना, जग जाल मेरु लत है, श्रीमद जी का बोल है ना, जिंदगी टुकी छे जंजाल लंबी छे, इसलिए जंजाल को टुकी कर तो सुख स्वरूपी जिंदगी लंबी लगेगी, है ना। जंजाल कैसी है, लंबी है, और जिंदगी कैसी है, टुकी है, इसलिए जंजाल को टुकी कर, है ना। अधिक लोक परिचयी आत्मार्थियों के लिए हानिकारक, क्या कहा, परिचय कर लेते ना बाहर में, कहा ना अधिक लोक परिचय, इसलिए तो समय सार में पहले ही आगे गाथा में कह दिया कि काम भोग बंधन की कथा, हाँ, अनादि से इसका तो परिचय है, है ना। फिर क्या कहा, परिचय भी है, चर्चा भी करते हैं, और उसका क्या है, अनुभव भी है। पर एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का परिचय नहीं, चर्चा नहीं, और अनुभव भी नहीं, ख्याल आ रहा ना। जो सरल है उसको कठिन कर दिया। सरल क्या है, सबसे सरल जगत में कोई चीज है तो आत्मा का अनुभव, क्योंकि एक अनपढ़ जीव भी क्या कर सकता है, आत्मा का अनुभव कर सकता है, है ना। गुरुदेव कहते ना, डॉक्टर बनना, LLB बनना, वकील बनना, इंजीनियर बनना तो कठिन है, पर आत्मा का अनुभव करना सरल है, क्योंकि ये सब बनना मेरे हाथ में नहीं, ये तो उदय के हाथ में, और आत्मा का अनुभव करना वो पुरुषार्थ के अधीन है, ख्याल रहा ना। क्या कहा, देखो, याई के भी पक्षी जग जाल मेरु लत, जग जाल में क्या करते हैं, रूलत है, और जिसको आत्मा का अनुभव हो गया है उनको क्या हो गया है, संसार जग जाल से क्या हो गए, छूट गए, और ज्ञान गगन में उड़ रहे हैं। हाट कसो विमल विराट कसो विस्तार है, क्या कहा, हाटक सो माने सुवर्ण। देखो यहाँ अर्थ किया है, हाटक माने सुवर्ण, सोना। सोना कैसा होता है, निर्मल, विमल माने निर्मल शुद्ध, और भी राटक सो विस्तार है माने विष्णु, यहाँ पे लिखा ना, अर्थ दिया है, देखो क्या कहा है, विष्णु के विराट रूप के सदृश्य विस्तार समान, क्या कहा, विष्णु के विराट के विस्तार समान, ख्याल आ रहा ना। सुवर्ण कैसा है, निर्मल है, और विराट कसो विस्तार समान, नाटक सुनत ही फाटक खुलत है, क्या हुआ, अब क्या हुआ, इस ग्रंथ क्या, ग्रंथ को सुनकर क्या हो गया, किसके किसके फाट खुल गए, मोक्ष मार्ग के फाटक खुल गए। गुरुदेव ने उदाहरण दिया है, किसका उदाहरण दिया है, फाटक, वो अपन नहीं देखते, ट्रेन जाती है ना, तो कहीं अपन को कहीं जाना होता है, तो बहुत बार होता है ना ऐसे कि वो फाटक को क्रॉस करना पड़ता है, देखा है आंटी, है ना, फाटक को क्रॉस करते हैं, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि फाटक बंद हो जाता है ना, और फिर वो ट्रेन जाती है, फिर वो फाटक क्या हो जाता है, खुल जाता है ना। ऐसे अभी तक तो ये क्या थे, मोक्ष मार्ग के फाटक बंद थे, और अभी ग्रंथ की रचना, ग्रंथ को सुनकर समझकर क्या हो गए, आत्म द्वार के फाटक खुल गए। नाटक सुनत हिये माने, ये माने हृदय, फाटक खुलत है ना, ऐसे ज्ञानी के मोक्ष मार्ग के फाटक क्या हो गए, खुल गए।
है ना, ज्ञानी है, ज्ञानी दिखते हैं उदय में, औदयिक भाव में, पर उस उदयी और औदयिक भाव से अपने को भिन्न जानते हैं। इसलिए कहा ना समय सार में, हाथी के खाने के दांत अलग और चबाने के दांत, हाँ दिखाने के दांत अलग और चबाने के दांत अलग, है ना। ऐसे ज्ञानी संयोग में दिखते हैं पर संयोग से अपने को भिन्न जानते हैं। सौदर्म इंद्र दिखता है 32 लाख विमान का स्वामी, है ना, 40 नील इंद्राणिया, ख्याल आ रहा ना, पर स्वर्ग में इतनी अनुकूलता के बीच में भी वो अपने को अनुकूलता वाला नहीं मानता, और एक नरक का नारकी इतनी प्रतिकूलताओं के बीच में भी अपने को प्रतिकूलता वाला नहीं मानता, क्योंकि प्रतिकूलता में दुख नहीं और अनुकूलता में सुख नहीं। और इस अज्ञानी की मान्यता अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुख। नारक, नारक, नारक का अर्थ करो, नारक माने नारथ, है ना, जिसको जिसको कभी उस क्षेत्र में रति ना हो, इसीलिए उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, नरक। और स्वर्ग, स्वर्ग माने जिसको कभी वहां से खिसकने का भाव ना हो, इसलिए उस क्षेत्र का नाम क्या रख दिया, स्वर्ग। स्वर्ग में मिथ्या दृष्टि दुखी है और नरक में सम्यक दृष्टि सुखी, क्योंकि कोई क्षेत्र मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। दुखी हुआ है तो मिथ्यात्व से और सुखी होता है तो सम्यक से। ऐसा यहाँ पे बहुत सुंदर हमको पंडित जी ने क्या बता दिया, उपाय बता दिया। देखो आगे यहाँ पे अब कौन से नंबर का छंद है, अब दो दो लाइन के दो छंद है, 16 और 17, बहुत सुंदर छंद है, बहुत भाव भरे 16 और 17 छंद में। उसके बाद जो 18 नंबर का छंद आएगा उसको हम कल लेंगे, उसमें तो बहुत बहुत ही भाव भरे। देखो 16 नंबर का छंद पढ़ते हैं, कहाँ 16, हाँ तो 18 भी दो लाइन का है, वो अपन कल लेंगे। अभी देखो 16 और 17, देखो 16 और 17, पहले 16 नंबर का छंद देखो। कहो कहो शुद्ध निश्चय कथा, कहो शुद्ध व्यवहार, मुक्ति पंथ कारण कहो, अनुभवों को अधिकार। क्या कहा, कहो शुद्ध निश्चय कथा, कहो शुद्ध व्यवहार। दो चीज बताऊंगा पंडित जी, क्या कहते हैं, हम दो चीज बताने जा रहे हैं, एक तो शुद्ध निश्चय और शुद्ध व्यवहार। आप बोलोगे शुद्ध निश्चय क्या होता है और शुद्ध व्यवहार क्या होता है, तो शुद्ध निश्चय माने तो आत्मा, हाँ बहुत बढ़िया, वो शुद्ध पर्याय, वो शुद्ध व्यवहार, और शुद्ध निश्चय माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। देखो निश्चय नहीं भी तीन प्रकार के होते हैं ना, कौन से तीन प्रकार के, क्या नाम आंटी अपन, पद्मसी आंटी, हाँ निश्चय नहीं भी तीन प्रकार के, कौन कौन से, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं, और परम शुद्ध निश्चय, तीन 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 आंटी, कौन कौन से, एक देश, पूर्ण शुद्ध और परम शुद्ध। एक देश शुद्ध निश्चय नहीं का विषय क्या, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं का विषय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आंशिक निर्मल पर्याय। पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं का विषय क्या, पूर्ण शुद्ध निर्मल नहीं निर्मल पर्याय, है ना, केवल ज्ञान की पर्याय। और परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय क्या, हाँ क्या नाम आंटी आप लोग का, मैं तो नाम नहीं जानती, हाँ आपका परम पारिणामिक भाव, वो परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है ना। इसलिए कहते हैं ना निश्चय नहीं में कोई राजा हो, आठ नहीं में राजा, आठ नहीं में राजा कौन, परम शुद्ध निश्चय नहीं, क्यों, क्योंकि परम शुद्ध निश्चय नहीं कभी व्यवहार को प्राप्त नहीं होता, बाकी सब क्या हो जाते हैं,
व्यवहार बन जाते हैं, व्यवहार को प्राप्त हो जाते हैं, पर परम शुद्ध निश्चय नहीं कभी व्यवहार को प्राप्त नहीं होता, है ना। तो परम शुद्ध निश्चय का विषय कौन? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसको कहा शुद्ध निश्चय। अब शुद्ध व्यवहार क्या? अभी आंटी ने कहा ना शुद्ध व्यवहार क्या, शुद्ध व्यवहार माने हम व्यवहार किसको समझते हैं? दया दान पूजा व्रत आदि को व्यवहार समझते हैं, पर वो व्यवहार नहीं। शुद्ध व्यवहार माने आत्मा के लक्ष्य से होने वाली जो निर्मल पर्याय है उसको शुद्ध व्यवहार कहा। शुद्ध क्यों कहा? शुद्ध इसलिए कहा क्योंकि निर्मल पर्याय शुद्ध है, इसलिए शुद्ध। और व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। क्या किसका भेद कर दिया? द्रव्य पर्याय का भेद किया ना, निर्मल पर्याय ऐसा भेद किया ना, हाँ, इसीलिए उसको क्या कह दिया? व्यवहार। हाँ, उसकी द्रव्य को उस पर्याय निर्मल है, द्रव्य को स्वीकार किया, शुद्ध द्रव्य को स्वीकार किया, इसलिए पर्याय निर्मल है ना। और पर्याय क्या है? भेद है, ख्याल आ रहा ना, निर्मल पर्याय ऐसा भेद किया ना वस्तु में, इसीलिए इसलिए भेद सो व्यवहार, इसलिए शुद्ध पर्याय को क्या कहा? व्यवहार का, शुद्ध व्यवहार का। देखो चार चीज आती है, एक तो आगम का व्यवहार और आगम का निश्चय, एक होता है अध्यात्म का व्यवहार और एक होता है अध्यात्म का निश्चय। अब आगम का व्यवहार क्या? आगम का व्यवहार दया दान पूजा व्रत आदि के परिणाम, वो आगम का व्यवहार। और आगम का निश्चय क्या? जो मोक्ष मार्ग की पर्याय है ना, वो आगम का निश्चय। अब जो आगम का निश्चय है वही अध्यात्म का व्यवहार, ख्याल आ रहा है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय आगम का निश्चय था, उसी को क्या कहेंगे? अध्यात्म का व्यवहार। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय वो अध्यात्म का व्यवहार, और अध्यात्म का निश्चय कौन? जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अभेद अखंड एक रूप रहने वाला जो तत्व है वो अध्यात्म का निश्चय, उसमें भेद नहीं ना, ख्याल आ रहा ना, कोई भी प्रकार का भेद नहीं, गुण गुणी का भी भेद नहीं, इसलिए वो अध्यात्म का निश्चय। क्या कहते देखो, कहो शुद्ध निश्चय कथा, कहो शुद्ध व्यवहार, मुक्ति पंथ कारण कहो, अनुभवों को अधिकार। अनुभव, अनुभव वाले को ही क्या है? इसका अधिकार है। और मैं किसको कहने जा रहा हूं? मुक्ति पंथ कारण, मुक्ति का कारण, मुक्ति का कारण कौन? मुक्ति का कारण दो, क्या? शुद्ध निश्चय और शुद्ध व्यवहार। एक कारण ऐसा, एक कारण कैसा? द्रव्य रूप कारण। और दूसरा कारण जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो पर्याय रूप कारण। फिर से कारण दो है ना, एक त्रिकाली उपादान कारण और एक क्षणिक उपादान कारण। जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वो त्रिकाली उपादान कारण है ना, आश्रय करने लायक कारण। और जो मोक्ष मार्ग की पर्याय है वो प्रकट करने लायक कारण, क्षणिक उपादान कारण। ख्याल आ रहा है? दो कारण, कारण दो बताए ना। देखो एक तो निमित्त कारण होता है और उपादान कारण, पर उपादान कारण के भी दो भेद करते हैं ना, एक त्रिकाली उपादान कारण और एक क्षणिक उपादान कारण। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वो त्रिकाली कारण, और जो निर्मल पर्याय हुई वो क्षणिक उपादान कारण। ख्याल आ रहा ना, जब भी कार्य होगा तब ये दोनों कारण होंगे। त्रिकाली उपादान कारण तो है ही, और अपनी योग्यता से जो पर्याय में निर्मल पर्याय प्रकट हुई, ख्याल आ रहा ना, वो व्यवहार मोक्ष में। और उस समय योग्य निमित्त भी होंगे, कौन होंगे? सच्चे देव शास्त्र गुरु भी होंगे, ख्याल आ रहा है ना। क्योंकि कार्य की उत्पत्ति में कारण कितने? दो, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण यथार्थ कारण, और निमित्त कारण, निमित्त कारण उपचरित कारण। बहुत बढ़िया, कारण तो नहीं पर उस पे कारण पने का क्या दिया जाता है? आरोप दिया जाता है।
ख्याल आ रहा है ना। देखो क्या कहते हैं, अब इसके बाद का जो है ना दो छंद, दो लाइन का एक छंद, 17 नंबर का छंद बहुत सुंदर है। अनुभव के समय में दशा कैसी होती है, जीव की दशा कैसी होती है अनुभव के समय। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजो अनुभव या को नाम। वस्तु विचारत ध्यावते, जब वस्तु का विचार करते हैं, ध्यावते माने, ध्यावते माने धारण करते हैं, हाँ उसका विचार करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। आत्मा का ध्यान जब करते हैं तो अपनापन आता है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र उसमें लीन हो जाते हैं, तो मन पावे विश्राम। बाहर में भी देखते हैं ना, बाहर में क्या देखते हैं, हाँ कि कोई थका, पूरे दिन का थका हुआ व्यक्ति, सुबह से शाम जिसने खूब दौड़ दौड़ भाग दौड़ मत की हो, हाँ और शाम को रात को घर पे आके क्या हो जाता है फिर, बिस्तर पे आके विश्राम, सो जाते हैं कि नहीं, ख्याल आ रहा है ना, पूरी थकान उतर जाती है। ऐसे यहाँ पे कहते हैं ज्ञानी भी पावे विश्राम। किसके किसके विकल्प से थक गए, बाहर के विकल्प से नहीं, जो आत्म संबंधी के विकल्प चल रहे थे उन विकल्पों से ज्ञानी थक जाते हैं। उन विकल्पों से जब थक जाता है जीव तो मन पावे विश्राम, ख्याल आ रहा ना। अनुभूति के समय में कोई विकल्प नहीं, क्योंकि जब तक आत्मा के विकल्प चलेंगे तब तक अनुभव नहीं, और जब अनुभव हो तब कोई विकल्प नहीं, एक अभेद पर दृष्टि जम जाती है। कहते हैं ना जब वो लड्डू बनाते हैं ना लड्डू, तो जब लड्डू बनाते हैं तब तो सारे भेद को जानते हैं, भेद का विकल्प है कि नहीं, हाँ लड्डू में ये लोट डाला, इतनी शक्कर डाली, इतना घी डाला, इतना मावा डाला, इतने ड्राई फ्रूट डाले, चल रहा ना, तो भेद का विकल्प बनाते वक्त तो अब लड्डू खा रहे तब, बोलो आंटी लड्डू खा रहे तब, हाँ तब याद करते हैं, अरे इसमें तो, अरे रुको रुको रुको, पहले इतनी चीनी, इतनी शक्कर, इतना मावा, ये डेयरी का दूध, ये डेयरी का मावा, ख्याल ना, तब तो कोई विकल्प नहीं, तब तो खाली खाली आनंद, ख्याल है ना, विकल्प करेंगे तो आनंद नहीं आएगा, और आनंद आएगा तो विकल्प नहीं होगा। ऐसे जब तक अनुभव नहीं तब तक आत्मा संबंधी के विचार चलेंगे, और जब अनुभव होगा तब आत्मा संबंधी के विकल्प विचार भी विलय को प्राप्त हो जाएंगे। है ना, समय सार का कलश, 9वां नंबर का कलश, अनुभूति के समय में प्रमाण के, प्रमाण नहीं और निक्षेप के विकल्प क्या हो जाते हैं, विलय को प्राप्त हो जाते हैं। नयो की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है और निक्षेपों का समूह भाग जाता है, ख्याल आ रहा ना। और जहां द्वैतपना का भी अनुभव नहीं होता, द्वैत माने दोपना, हाँ मैं आत्मा और मैं आत्मा को जानने वाली पर्याय, ऐसा द्वैतपना भी जहां ना हो, है ना, अगर याद आए तो भोग नहीं कर सकता, ख्याल आ रहा ना, वह द्वैतपना भी ना, जहां द्रव्य और पर्याय कैसे हो गए, अभेद हो गए, है ना, और उस समय क्या हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। हाँ कर्तापना का भूत उतर जाता है और ज्ञातापना प्रकट हो जाता है, ख्याल आ रहा है ना। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। कैसे पता चला अनुभूति हुई, कैसे पता चला, कैसे पता चला, लक्षण कहा ना, देखो क्या लक्षण कहा, रस स्वादत सुख उपजे, हाँ बहुत बढ़िया, अलौकिक अलौकिक सुख उत्पन्न होता है
और ऐसा सुख उत्पन्न हुआ कि उस अतीन्द्रिय आनंद के द्वारा पता चला कि मुझे क्या हुआ, आत्मा का अनुभव। कहते ना, जब निज आत्म ध्यावे कछु और न कुछ और नहीं सुहावे। जब निज आत्म ध्यावे कछु और नहीं सुहावे, कुछ और अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि आत्मा का रस ही इतना अलौकिक है। चाहे चक्रवर्ती के भोग भी कैसे लगते हैं, काग वीट समान लगते हैं, नाक के मैल समान लगते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो और किसी में सुख नहीं लगता, क्योंकि सुख स्वरूपी आत्मा का अनुभव हो गया है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम निर्विकल दशा है, इसी का नाम क्या है, अनुभूति है। ख्याल आ रहा है ना, हाँ, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है, है ना। और जिस जो इस दशा को प्राप्त करता है वो नियम से अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त करता है। माने नाटक समय सार में आत्मा को भी बता दिया और आत्मा को प्राप्त करने की विधि भी बता दी, है ना। एक लास्ट उदाहरण कह के यही पे पूरा करती हूँ। तब ध्यान कहने में आएगा, ध्यान हाँ जैन कहने में आएगा, है ना। अनुभव जिसको हुआ वही सच्चा जैन है ना, जिसको अनुभव नहीं हुआ वो सच्चा जैन नहीं है ना। जैसे वो शक्कर होती ना, शक्कर मिश्री, अब मिश्री को हाँ चार बर्तन है, एक है लोखंड का बर्तन, एक है चांदी का बर्तन, एक है सोने का बर्तन और एक है प्लास्टिक का बर्तन। चारों में रखी है, किसको, मिश्री को। हाँ, अब मुझे बताओ कौन सी मिश्री ज्यादा मीठी। प्लास्टिक में रखी हुई मिश्री तो थोड़ा स्वाद तो कम होगा कि नहीं। हाँ, और जो सोने में रखी हुई मिश्री वो तो ज्यादा मीठी। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, सब में रखी हुई बर्तनों में रखी हुई मिश्री का स्वाद तो समान है, सब में मीठापन तो समान है। ऐसे कोई भी बार में शरीर हो, क्या कहा, हाँ, नरक का हो, स्वर्ग का हो, मनुष्य का हो, तीरंज का हो, और यहाँ भी देखे किसी का सुंदर हो, किसी का कुरूप हो, तो भी सब में आत्मा तो समान ही है। ख्याल आ रहा है ना, कोई बदलाव नहीं, सबके आत्मा समान है और सबका आत्मा अनंत गुण से भरा हुआ है। और ऐसे अनंत गुण रूपी आत्मा का अनुभव हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति अवश्य हो और हो। ख्याल आ रहा है ना, ऐसी विधि हमको पंडित जी ने बता दी, ऐसी विधि हम प्राप्त करें और अनंत काल सिद्धालय में विराजमान हो जाए, ऐसी मंगल भावना के साथ अध्याय पूरा करते। जिनवानी स्तुति।